और जो है कौन सी बात है जिससे रोजा टूट जाता है, तो रोजा टूट जाता है तो इसकी भी तीन वजह जिसकी वजह से रोजा टूट जाता है, जिससे रोजा टूट जाता है। कोई आदमी अगर अपनी बीवी से सोबत कर ले रोजे की हालत में उसका रोजा टूट जाता है। पहला है वो रोजा कर लाता है टूट जाता है, इसके अंदर अगर वो करता है तो उसके ऊपर जो है कजा भी है और कफ्फारा भी उसको देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी करता है सोबत करता है तो उसको कजा भी देनी पड़ेगी, कफ्फारा भी उसको देना पड़ेगा। वो सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह उसमें फरमाया वो जो वाक्य हम सुनते हैं, एक आदमी जो आया और उसके तो उसके ताल्लुक से आता है, उसमें कफ्फारा क्या है कि एक गुलाम को आज़ाद करना, 60 मुसलसल रोजे रखना एक के बाद में, एक के 60 वो खाना खिलाना, ये तरतीब से उसको करना पड़ेगा। उसमें कफ्फारा भी है और कजा भी रोजे की उसको रखना पड़ेगी। या फिर अगर इसकी ताकत आदमी में नहीं है कि वो एक गुलाम तो आज ख़त्म हो गए, गुलामियत है नहीं, या फिर 2 महीने के रोजे तो 1 महीने के बेचारा आदमी बड़ी मुश्किल से रखता है, 2 महीने कंटिन्यू कहाँ से रखेगा, तो अभी नहीं रख पा रहा, यह मजबूरी है उसकी ताकत जमा नहीं, 60 लोगों को खाने के लिए उसकी हैसियत नहीं है, तो फिर जो कुछ है वो कम से कम उसको वो सदका कर सकता है। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दूसरी जो वजह है रोज़ा टूटने की, वो है इब्ने माजा की रिवायत है कि जानबूझकर के करने से रोज़ा टूट जाता है, खुद बखुद के आने से रोज़ा नहीं टूटता। कि आदमी को ये है कि किसी को बीमारी रहती है पेट की, डकारी की वजह से बार बार उसको उल्टी आती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। खुद आदमी अगर उंगली डाल के करता है तो फिर उसका रोज़ा टूट जाता है। ये जामे तिर्मिजी की रिवायत है। इधर जो तीसरी जो चीज़ है जिससे रोज़ा टूट जाता है तो वो है सही बुखारी की रिवायत है कि खातून के लिए जो है जब उसको निफात आ जाए तो उसका रोज़ा टूट जाता है, वो बाद में उसकी कजा रखनी होगी। तो तीन वजह है जिसकी वजह से रोज़ा टूटता है, पहला ये है कि सोबत करने से, दूसरा ये है कि जानबूझकर के करने से, तीसरा है निफास औरत को आने से उसका रोज़ा टूट जाता है। भले इसके अंदर ये भी होता है एक मकसद जो इसमें सवाल आता है घुटनों के ताल्लुक से अक्सर पूछा जाता है कि आधा घंटा बचा था इफ्तारी के अंदर, 5 मिनट बचे थे, 1 घंटा बचा था और हमको जो हेज आ गया, तो क्या हमारा रोज़ा सही है? 5 मिनट भी आपको बचे हैं, आपका वक्त नहीं हुआ है, अगर उससे पहले हेज आ गया तो आपका रोज़ा टूट जाता है, आपकी उसकी कजा रखनी पड़ेगी। लेकिन आपने उस नीयत से रखा, आपने बिल्कुल आखिरी तक उसको आपने रोज़े को रखा तो अल्लाह से सवाब की उम्मीद आप रखें, अल्लाह तो आपको सवाब उसको पूरे रोज़े का आपको देगा ही देगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन यह कि आपका रोज़ा वो टूट जाता है, आपको कजा वापस रखना पड़ेगी।